लास्ट वन ईयर जैसे हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया में खेले, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर साउथ अफ्रीका के साथ होम मैच सीरीज खेले और सीरीज जीते, तो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस अच्छा रहा, टीम अच्छा की कर रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। पर्सनल वही बोल रहा हूँ कि एज ए टीम हम लोग पहले देखते, अगर टीम के बाद थोड़ा जगह बचता है तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, तो इंडिविजुअल उतना मतलब पोटेंशियल वाइज मेरा जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहा है वो और भी अच्छा हो सकता था, मगर पहले टीम फर्स्ट, इसलिए और भी कोशिश करेंगे अच्छे करने के लिए नेक्स्ट टाइम। वो एक्चुअली सीरीज़ के बीच में आना किसी को भी पसंद नहीं है, तो और अगर सीरीज़ जीत रहा है तो उस टाइम में तो और भी मतलब थोड़ा सा ख़राब लगता है, क्योंकि चोट तो हो ही सकता है, तो वो गेम का पार्ट है। और ओवरऑल टीम जीता, सीरीज़ जीते हम लोग, वो बहुत दिन बाद 22 साल शायद, तो वो टीम के लिए बहुत मतलब अच्छा गया, मैं उसमें कंट्रीब्यूट किया, 250 बनाए पहले 2 टेस्ट में, तो अच्छा होपफुली जाएगा। हम लोग ये सीरीज़ में भी वैसे से सोच के जाएंगे, और जो पहले सीरीज़ थे वो सीरीज़ में भी ऐसे ही सोच के जा रहे थे कि जितना भी मैचेस खेलेंगे डोमिनेट करेंगे हर सेशन में, हर ओवर में या हर बॉल में जैसे डोमिनेट करेंगे और सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगे, तो पास में भी हम लोग किए हैं तो इस सीरीज़ में भी वही कोशिश करेंगे। जब से धोनी भाई ने रिटायर किया है तो मुझे मौका मिले धोनी जगह की जगह, तो वो जगह इतना आसानी से फिलअप नहीं होगा, क्योंकि वो इतने साल से इतना डोमिनेंट परफॉर्मेंस किया है इंडिया टीम को, बहुत से मैचेस जीता है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मेरा पोटेंशियल है वो टीम को जिताने के लिए हेल्प करूँ, कीपिंग में, बैटिंग में, वाइटल सिचुएशन में कैचेस पकड़ के या वाइटल सिचुएशन में पार्टनरशिप या इंडिविजुअल स्कोर करके वो टीम को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वो ऑलवेज बोलते रहते हैं कि जो तेरा नेचुरल टेक्निक है या उसके ऊपर ही काम कर, और थोड़ा फाइन ट्यूनिंग जैसे वो ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया थोड़ी देर पहले, वो सब चीज़ तू करके देख सकता है, अगर तेरा हेल्प हुआ तो वो करना, ऐसे बात किया, मगर ऐसा नहीं कि कंपलसरी वो चेंज करना है।